और ये दोनों अभी कैमरा में नहीं आना चाहता था, तो मैं इन्हें कैमरा में लाऊंगा भी नहीं। और गुड आफ्टरनून गाइस, न्यू डे न्यू ब्लॉग। फिर बहुत दिनों बाद वापस से मैं अपने प्यारे सुंदर से चैनल पे आ गया हूँ। तो आप लोग वीडियो देख रहे हो, बहुत कम देख रहे हो, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो देखा करो यार, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। और अभी मैं रुका हुआ हूँ अपने उस लेट लतीफ दोस्त के लिए, वो आएगा तो जाऊँगा। अगर आज लेट किया तो उसे छोड़ के जाना होगा, आज तो सोच लिया है। बस जब तक वो आता है तब तक सिंह का मजा लेते हैं। आप भी बने रहो ब्लॉग में। One hour later. पीछे देख सकते हो वो आ रहा है अभी, इसके साथ पहले जाऊंगा 5 बजे और फिर उसके बाद मूवी देखने। तो फिर से आज ये आप लोग को पता ही है कितना लेट करता है, तो आज भी लेट किसी के वजह से मेरे व्यूअर्स को सॉरी मत बोलो, तो तुम करते ही हो। अभी हम टेम्पू के लिए रुके हैं, टेम्पू आते ही चले जाएंगे। कैसा लगा मेरा संगीत? तालियां बजनी चाहिए। बहुत बहुत तो नहीं, थोड़ी बहुत गर्मी है, ठंडी भी है, टेम्परेचर चलने वाला अच्छा है, सहने भी होता है। बताओ इस बात पे डिबेट हो गया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज ये बंदा कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहा है, अरे लेकिन इसने मुझे बोल दिया। आप ही बताओ, बोलना सही है? बिल्कुल नहीं था, मैंने सोचा था कि नहीं बोलता क्या इसको भाई। अब मेरे आंखों के सामने वो केक नाच रहा है, समझा? करे एक नंबर का ही। अरे कर की बात नहीं है भाई, अब केक से किसका पेट भरता है बताओ। इसको खाली चाहिए केक और केक बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये केक जहाँ चले आप इसका बकवास मत सुनिए, आप मेरा ब्लॉग देखिए, चैनल पे आइए और बने रहिए। हाफ डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं और आधा बाकी है, टिकट बनाना है। बहुत दुख है जीवन में, ठंड हो गई बस, सब इसके वजह से लेट करके निकलता है। अब इसका एक कॉमन डायलॉग आएगा कि जन्म जन्म तक सुनाते रहोगे क्या? लेकिन ना, मेरी आदत जन्म जन्म तक सुनाते रहोगे। अबे मेरा आदत ऐसा नहीं है, सुनाते रहते हैं। अबे नहीं है, है नहीं है, है। वो कार में हम लोग घुसे थे मेरे लोग। तो अभी हम जा रहे हैं, एक्चुअली इसका आधार का कुछ लोचा हुआ था, तो अभी एक तो आधार सेंटर जाएंगे और पता करेंगे कि इसका आधार बन सकता है या नहीं। अगर बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो फिर अगले किसी दिन के लिए प्रोसीड होगा। और तो ठीक है, आप बने रहो ब्लॉग में। हाँ, ये डायलॉग बहुत दिनों से बोला नहीं था, तो आज वापस से बोल दिया मैंने। आप बने रहो और देखते रहो। अभी थोड़े देर पहले हम बोल रहे थे कि आज धूप नहीं आया है, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको तारीफ ही पसंद नहीं आई, आ गया कहीं से बादलों को चीरते हुए आसमानों के बीच से निकल गया, धूप जला रहा है हमारा बॉडी। वैसे हम जा रहे हैं अभी मूवी थिएटर, सिनेमा हॉल, एनीथिंग, और मूवी देखेंगे ऐसे एक। और ये है अपना गुवाहाटी स्टेशन, आप देख सकते हो यहाँ मैं पहले कहीं काम करता था। तुम्हारा वॉइस आ रहा है बस, आदमी नहीं आ रहा। इसी स्टेशन पे कहीं काम करते थे हम, बहुत मिस करते हैं।
एकदम सही बात है। और इस बिजुली भवन के साइड में एक स्कूल है, बंगाली गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ पे मैंने क्लास 10 का एग्जाम दिया था। और अभी हम क्या वो एडवर्टाइज आता था ना, जलती चुपती गर्मी का मौसम आया, सच में आ गया है। अब बस खमोरियों का आना बाकी है, नहीं उसे आने नहीं देंगे, उसे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, हरा देंगे उसे, उसे आने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप बने रहो क्योंकि मेरा हाथ बहुत जल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा नहीं है, आई मीन हाफ स्लीव है, इसलिए। ये अपना पलटन बाजार एरिया है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ, बहुत ही जाम है। और मैं जिस बंगाली स्कूल का बात कर रहा था वो ये है, ये देखिए यहीं से पास आउट हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, सेकंड डिवीज़न हम लाए हैं, तारीफें मत करो। और ये है ASPC का पार्किंग, तो अगर आप कभी इस एरिया में पार्किंग ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो। और इधर है कुछ होटल्स वगैरह। अपन मूवी का टिकट ले चुके हैं मेजर का, तो अभी देखते हैं कैसा होता है, बताएंगे आपको भी कि मूवी कैसा लगता है। टिकट तीन रुपये, बाकी एक दोस्त अभी आ रहा है तो वो आएगा तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। वैसे 2:15 से अभी टाइम आपका 1:42 है, ऑलमोस्ट आधा घंटा और है, तो अभी टाइम है, लेकिन फिर भी वो आ जाएगा तो फिर हम ट्राई करेंगे, अगर अंदर जाने देगा तो चले जाएंगे। बाकी आपको मूवी देखने का बताते हैं, मूवी कैसा है, देखने लायक है या, वैसे तो देखने लायक होगा ही क्योंकि देशभक्ति पे है तो होगा ही, होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिव्यू बनता है। तो बस बाकी आप बने रहो ब्लॉग में। और हाँ, चैनल्स में बहुत वीडियो डाल चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट 20-25 वीडियोस डाल चुका हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो, देखा करो यार, देखो, कमेंट करो, बताओ कैसा है, कुछ सुधारना है, सुधारना तो अभी बहुत कुछ है, आप सजेशन दोगे तो इजी होगा, वही आप बने रहो ब्लॉग में। मैं जिस दोस्त का बात कर रहा था वो आ गया है, इसको तो आप बहुत बार देखे होगे ब्लॉग में, इधर उधर ही होगा, बता दो तब कुछ कैसा है हाल चाल, बताओ। हाल ठीक है, आज काम था, हाफ डे था, पूरा एक हफ्ते बाद वापस मिल रहा है। हाँ, हाफ डे था, हाफ डे कंप्लीट किया, उसके बाद घर गया, लंच किया और दौड़ते हुए आया। लंच मतलब बोल सकते ब्रंच था एक्चुअली, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था भाई, लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट छोड़ो। नहीं, लंच ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो होता है, मैं अभी मैंने अपना खाना खाया है, ब्रंच ही हुआ ना। ठीक है ठीक है, इसके खुशी के लिए ब्रंच ही सही। तो वही, और डिनर और लंच में क्या बोलेंगे? डिनर और लंच आपके ब्लॉगर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर खिला दिया तो ठीक, नहीं तो खाली पेट ही सोना पड़ेगा। जैसे ये आते ही हवा आने लगा, तो पवन देव का कृपा है शायद इस पे बहुत ज़्यादा। करके बाहर आए और मूवी वाज लाइक भाई बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जैसे कल ही रिलीज हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से और देखो, तुम बताओ कैसा लगा मूवी? कुछ मतलब बहुत ही मोटिवेशनल था, और इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे मैंने रिव्यू देखे मूवी के ऊपर, लोग इसे उरी के साथ कंपेयर करते हैं, लाइक इट वाज आल्सो ए नेशनल मूवी, एंड ये भी बहुत नेशनल पेट्रियोटिज्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन कंपैरिजन कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सेक्रीफाइस और उनके सेक्रीफाइस और उनकी मूवीज उनके लाइफ के बारे में होती है। सो इसको आप देखिए, एक बार फील लीजिए इस मूवी का, और ये जो मूवी है वो
सिर्फ जीने के लिए, मतलब आप खुद को उस जगह में इन्वॉल्व कर सकते हो, आपका लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं। सही बात, उड़ी भी अच्छा था लेकिन हाँ उसमें थोड़ा रियलिस्टिक नहीं था, कंपेरेबिलिटी हाँ, नहीं है। देखिए हाँ, आप किसी चीज को कंपेयर, उड़ी एक अलग सिनेरियो था हाँ, और ये हाँ, जो मूवी है मेजर, इसका अलग सिनेरियो है। सो आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो भी अपने जोन में अपना चीजों को लेके बेटर था और ये भी अपने चीजों में बेस्ट है। कोई बात सर, तुम बोलो कुछ। अरे बता ना, वीडियो हो रहा है ना। बता बता। एक्सपेक्टेड था मूवी, बहुत सही लगा, ऐसा मूवी बनना चाहिए बॉलीवुड के अंदर, बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम जो दिल से एक्सेप्ट था जैसा बनना चाहिए वो सब बनाया। बताइए बात नहीं है तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से आओ, जल्दी से देखो। बस से जा रहे थे, फिर हमने सोचा यहाँ उतर जाते हैं, थोड़ा देर ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लेंगे यहाँ ब्रह्मपुत्र के किनारे। आप देख सकते हो पीछे द माइटी ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों अभी कैमरा में नहीं आना चाहता था तो मैं इन्हें कैमरा में लाऊंगा भी नहीं, और इसके बाद बाकी और क्या ही बोलूं। आज का सैटरडे भी अच्छा था, मूवी भी अच्छा है। इसको हंसी इतना क्यों आ रहा है? नहीं, बच क्या गया, कैमरा में नहीं लाना था लेकिन ले ही लिया, ये आइडिया नहीं लगा। लेकिन आप अगर पीछे देखेंगे और तो ये लाचित बरफुकन का एक बहुत अच्छा हाँ, सा स्टेचू है। ये देखिए, ये है वो स्टेचू, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर। और हाँ, आप सोच रहे होंगे हमारे हाथों में क्या है, तो ये है थैली, और इसके अंदर जो है वो गुजरातियों का बहुत ही फेवरेट डिश है, ढोकला। देखो नाम मेरे, मुझे भी पता था, थैंक यू बताने के लिए। लेकिन पता नहीं आपके ब्लॉगर इतना टाइम किस बात के लिए, एक्चुअली थोड़ा सस्पेंस मुंह में फंस रहा होगा, सस्पेंस बनाना चाहिए, मुंह में शायद वो वर्ड फंस रहा होगा। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। वैसे पानी अभी बढ़ चुका है, बढ़ा नहीं कम गया है, वरना यहाँ तक पानी था, अभी कम गया है। आप मेरे चैनल पे आओ और वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी आपसे मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ एंड करता हूँ, और जो भी मेरे इस ब्लॉग को यहाँ तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह ब्लॉग देखते रहे, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।